हेलो दोस्तों, दिस इज अगस्त इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोज ऐप्स हो या मोज लाइट ऐप्स हो, जो शेयर चैट है, वो जो टीम है, वो सभी यूज़र का ख्याल रखती है। एमएफसी में सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत सारे यूज़र को मोटिवेट भी करती है कि भाई अच्छे वीडियोज़ बनाए। जो अच्छे वीडियोज़ बनाए तो क्या एमएफसी में सिलेक्शन भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपका भी एमएफसी में सिलेक्शन होगा, मोज बॉडी में ऐड किया जाएगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगे और मिंट आपको भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ वो कुछ पैसा भी देती है आपको, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है तो आपको भी वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है पर पैसा नहीं है, तो वो पैसा जरूर देंगे। इसके लिए फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। फॉर्म फिलअप कैसे करते हो और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो काफी असम होने वाले, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना, लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ, इससे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है। यस, वॉल्यूम कम करना ज़रूरी है और चलना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर जाके मैं तो हमेशा जो पुराना नाम है वही टाइप करता हूँ, एम एक्स टकाटक, ताकि भाई मोज का अपडेट यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए अपडेट आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे बस क्लिक करना है और ये आपका इसमें मोज लाइट बीटा वर्जन डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यू आर ए बीटा टेस्टर, आप बीटा टेस्टर है इसके कारण बीटा वर्जन आपके इसमें दिखाई दे रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बीटा टेस्टर इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, 5-10 सेकंड लेगा, पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं जब ये अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई आपकी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जब तक ये अपडेट हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ शो करने वाला हूँ कि भाई अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यस, ये जो मैसेज है ये है बेटर लक, नेक्स्ट टाइम यू कैन अप्लाई अगेन इन 5 डेज। अगर आपका कुछ वीडियोस में प्रॉब्लम है तो जिसके कारण आपको इस तरीके से मैसेज आया कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से कोशिश कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं 5 दिन के बाद। पर अगर आपको इस तरीके से मैसेज आ रहा है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल रिज्यूम शॉर्टली, कुछ कुछ टेक्निकल कंडीशंस के कारण कभी कभी आपको इस तरीके से मैसेज आता है, आवर टीम इज कंप्लीट वर्किंग टू मेक यूर एक्सपीरियंस बेटर, आपका और अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा जा सके, तो आपको इस तरीके से मैसेज दिखाई दे रहा है कि भाई ऑन बोर्डिंग प्रोसेस रिज्यूम किया जाएगा, दोबारा फिर से कि ऐड किया जाएगा। आपको पता है उसमें व्हाट्सअप नंबर आपको ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। आपके वीडियोज़ को चेक किया जाता है, एक एक वीडियोज़ को चेक किया जाता है, अगर एक भी वीडियोज़ किसी और का है या लो क्वालिटी है तो डायरेक्टली आपका सिलेक्शन नहीं होगा एमएफसी में। फिर आपके इसमें वही आएगा, फिर दोबारा वीडियोज़ चेक कीजिए और उसके बाद दोबारा कीजिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और एमएफसी में सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्टली आपको मोज फॉर क्रिएटर पर जाएंगे तो वहाँ पर वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर लिखा हुआ आएगा और आपको एक मैसेज आएगा व्हाट्सअप की तरफ से। तो चलिए डायरेक्टली मैं चेक करता हूँ, ये हमारा हो गया होगा, ये देखिए हमारा अपडेट हो चुका है। तो मैं करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली इसे ओपन, ये हमारे इसमें ओपन हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपडेट होने के बाद थोड़ा सा लेट ओपन होता है, पर इसमें बहुत सारे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो गिफ्ट क्रिएटर, जैसे कि मैंने गिफ्ट क्रिएटर के बारे में बता दिया था, जो स्टार्टिंग में 4 रुपये आपके इसमें गिफ्ट दिखाई देने लग जाते हैं, ऊपर में एक छोटा सा आइकॉन, उससे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोस नहीं, हाँ देखिए इनके इसमें दिखाई दे रहा है गिफ्ट क्रिएटर ऊपर में, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो इनको मैं क्या करता हूँ गिफ्ट दे सकता हूँ। ये है गिफ्ट क्रिएटर जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये वीडियोस हो गए, ये वीडियोस हो गए, जितनी भी वीडियोस है। पर अगर मैं यहाँ से अपने अकाउंट्स पर जाता हूँ और अकाउंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक आइकॉन, यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि किस किसने मुझे दिया है। जो चेयर्स रहते हैं मिंट हमारे इसमें कलेक्ट होंगे, जो चेयर्स रहते हैं वो किस किसने दिया है। देखिए यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए 2 जनों ने, एक ने 45, एक ने 29 दिए है। अगर मैं 3 डॉट पे जाता हूँ, क्रिएटर टूल्स मोज फॉर क्रिएटर में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गया होगा एक ऑप्शन, देखिए वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर, इनका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन क्यों हुआ है, सबसे आसान तरीका मैं आपको यही बताऊंगा। अगर मैं बैक जाता हूँ, ये खुद की वीडियोज़ डालते थे, जितने भी है खुद के वीडियोज़, यहाँ पर आप चेक करोगे तो इनके इसमें यहाँ पर खुद के वीडियोज़ दिखाई देने लग जाएंगे। ये देखिए ये खुद के वीडियोज़, ये जितने भी वीडियोस हैं इन्होंने अपने ही वीडियोस डाले। ओके, ये देखिए पूरे वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जितने भी वीडियोस हैं, एक भी जगह कुछ और वीडियोस नहीं। पर मैं अगर यहाँ पर इनसाइट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये सब चीज़ें एक्सीलेंट है। ठीक है, एक्सीलेंट होना जरूरी है अगर आप चाहते हो हमारा एमएफसी सिलेक्शन। पर अगर मैं शेयर जाऊँगा तो रिमूव कोलैबोरेटर्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट को ऐड किया गया है, एक मोज और एक मोज लाइट का। ठीक है, एमएस टकाटा को मोज लाइट के, दोनों के इसमें मेरा सेम वीडियोस दिखाई देंगे अगर मैं कोलैबोरेट कर लेता हूँ, मतलब कोलैबोरेशन मतलब भाई ऐड। ओके, अब आपको समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ से जाके वैलिड ऑप्शन आपको शो करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वीडियोस एंड प्रोफाइल, जो कि गिफ्ट क्रिएटर से मुझे पैसा मिला, मोज फॉर क्रिएटर फंड से भी मुझे पैसा मिला, लाइव स्ट्रीमिंग से भी मुझे पैसा मिला, बहुत सारी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं।
पर अगर मैं यहां जाता हूं और यहां पर आपको एक दिखाई देगा मैसेज, ओके, और मैसेज में मोज, और मोज में एक फॉर्म दिखाई देगा आपको, ठीक है, फ्राइडे के दिन आया है ये 8:32। तो यहां पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो वो आपको पैसा देना चाहता है। अब कैसा है क्या है इसके बारे में मैं आपको फॉर्म पढ़ करके सुनाऊंगा और बताऊंगा। ये यहां से हम गूगल क्रोम में ओपन कर लेते फॉर्म, ओके, तो ये हमारे इसमें फॉर्म ओपन हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटर लाइफ साइकिल, भाई क्रिएटर के थोड़ी से लाइफ साइकिल मतलब किस तरीके से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हाई फ्लॉक, वी एट मोज बिलीव अवर क्रिएटर कम्युनिटी इज अवर स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, हेंस वी आर रोलिंग दिस सर्वे टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल नीड बेटर सो दैट वी कैन गिव यू मोर इंसेंटिव एंड बेटर सर्विस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा आपको सर्विस और ज्यादा इंसेंटिव और ज्यादा पैसा देना चाहेंगे जिससे कि आप अच्छे खासा वीडियोस बना सकते हो। एक सर्वे फॉर्म है, प्लीज फिल अप दिस फॉर्म टू शेयर योर नीड्स विद अस, वी प्रॉमिस योर इन्फॉर्मेशन विल बी कीप कंप्लीटली सेफ, प्लीज नोट एवरेज टाइम टू फिल इन द सर्वे इज 5 to 7 minutes, 5 से 7 मिनट इसमें लग सकता है, थैंक यू, ओके। ईमेल, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर डाल दिया हो अपना एक ईमेल आईडी। व्हाट्स योर फुल नेम, आपका फुल नेम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डाल देता हूं एजाज खान। योर मोज हैंडल, आपको अपना मोज हैंडल डालना है, फॉर एग्जांपल यहां से मैं बैक जाता हूं अपने मोज ऐप्स पर और यहां से चलो अकाउंट ओपन हो जाए और यहां से मैं क्या करता हूं और बैक थोड़ा सा बैक चले जाते हैं और अपने अकाउंट्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ओके, एडजस्ट कर लेना। हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो चुका है मेरा और यहाँ से हम अपने फॉर्म पर आ जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, यस, फिर से की डालना पड़ेगा एस के, ओके, यहाँ से नेक्स्ट और इसके बाद डायरेक्टली ये डाल दिया हूँ मैंने, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, आप सही वाला डाल देना, बस मैंने एकदम दिखाने के लिए कुछ भी डाल दिया हो। योर एज, आपकी एज कितनी है, फॉर एग्जांपल 22 से 28 है या 29 से 36, जितनी भी वहाँ पर आपको करना है। हाउ डिड यू ज्वाइन मोज, मोज कैसे किया, एजेंसी के थ्रू किया या खुद ने, मैंने खुद ने किया तो मुझे किसी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट आर योर इनकम सोर्स अदर देन कंटेंट क्रिएटर, किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं अदर देन कंटेंट क्रिएटर। भाई मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, वहाँ से मेरे को 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं या 10-20 हज़ार जितने भी है पता चल जाए। व्हाट इज योर एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, साल भर में कितना कमाते हो अदर देन कंटेंट क्रिएशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख से कम कमाता हूँ, वहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं 25 लाख से ज़्यादा कमाता हूँ तो बिल्कुल आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। व्हाट इज योर एनुअल इनकम फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म अदर देन मोज, भाई कितना कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल 50 हज़ार, मोज के अलावा मैं 50 हज़ार रुपये कमाता हूँ, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट, कौन से टाइप के कंटेंट आप ज़्यादातर क्रिएट करते हो। मैं करता हूँ ट्रैवल एडवेंचर्स, बस इतना करता हूँ। हु शूट योर वीडियो, भाई मैं सेल खुद वीडियो शूट करता हूँ ट्राइपॉड स्टैंड। हाउ मेनी आवर डू यू स्पेंड वीकली ऑन क्रिएटिंग, 1 से 10 घंटे में हफ्ते में देता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन यू अपलोड वीडियो एंड डू लाइव स्ट्रीमिंग सेशन, भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम पैसा कमाने के लिए मैं ज़्यादातर लाइव आता हूँ ये सब चीज़ें रहती। व्हाट इक्विपमेंट डू यू यूज टू क्रिएट एंड एडिट दोज वीडियोस, भाई मैं क्या करता हूँ मोबाइल फोन से, खुद के मोबाइल फोन से, दोस्त से नहीं मांगता हूँ ना DSLR लैपटॉप कुछ भी नहीं है, खुद के मोबाइल से मैं एडिट करता हूँ। हाउ डू यू एडिट योर वीडियो, सेल्फ खुद करता हूँ मैं सब चीज़, इसलिए सेम। वो मैनेज अपलोड कंटेंट इन योर मोज अकाउंट, भाई फ्रेंड टीम ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही करता हूँ इसलिए सेल्फ। वेयर डू यू शूट एंड एडिट योर वीडियो, घर पे करता हूँ, पब्लिक प्लेस पे कभी चले गए तो वहाँ पर कर लेता हूँ, दोस्त के घर पे करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा घर पे करता हूँ। डू यू अपलोड ऑन अदर प्लेटफॉर्म टू, यस बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करता हूँ, टिकी पे नहीं, टिकटॉक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। व्हाट वॉज वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट यू इन सिक्योर टू स्टार्ट यूर कंटेंट क्रिएशन, लेस देन 50K। व्हाट वेयर द वेरियस आइटम यू इंक्यूर्ड दिस फिक्स्ड कॉस्ट ऑन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, DSLR, माइक और ज़्यादातर मोबाइल फोन्स के लिए मैं ज़्यादातर खर्चा कर सकता हूँ, ओके। व्हाट इज द मंथली वेरिएबल कॉस्ट यू इंक्योर टू क्रिएट कंटेंट एंड डू लाइव स्ट्रीमिंग, लेस देन 10,000, 10,000 से कम, भाई कभी कुछ प्रीमियम खरीदना पड़ता है, कुछ चीज़ खरीदना पड़ता है, 10,000 तक हो जाता है। व्हाट आर द वेरियस आइटम यू इंक्योर इंक्लूड दिस वेरिएबल कॉस्ट ऑन, स्पेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मुझे पैसा देना पड़ता है और ब्रॉडबैंड का चार्जेस देना पड़ता है, ये चीज़ें रहती है। हाउ डिड यू अरेंज द मनी टू स्टार्ट द कंटेंट क्रिएशन, इनकम फ्रॉम द जॉब, जॉब से मुझे मिल जाता है पैसा तो उसी से मैं थोड़ा सा पैसा इसमें भी लगाता हूँ। इफ़ यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एट वॉट रेट, कितना रेट लगता है, मेरे को तो 9 से 12% लगा देता है या 7.5 से 9% लगा सकते हैं अगर आपने लोन लिया होगा बैंक से, ठीक है। इफ़ यू बोरो मनी फ्रॉम प्राइवेट लेंडर, उसने कितना लिया है प्राइवेट लेंडर से, भाई मैंने लिया ही नहीं, NA कर देना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ लोन प्रीवियसली, नो, बस
मैंने कभी भी लोन के लिए अप्लाई किया ही नहीं हूँ, क्यों करूँगा भाई, चल जा रहा है। डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड? नो बट आई डिडंट अप्लाई, नो नेवर अप्लाइड, अप्लाई भी नहीं किया है भी नहीं। इफ़ नो रीज़न ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड, एन ए कुछ देना ही नहीं है रीज़न वीज़न, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वुड यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग विथ अस टू इम्प्रूव योर बिजनेस? लोन चल जाएगा। एट वॉट रेट वुड यू विलिंग टू टेक द लोन? लोन कितने परसेंट में लेना चाहेंगे, 7.5 से 9% के बीच में चल जाएंगे। वट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑन द सर्विस इफ़ यू बाय फ्रॉम अस? भाई लो प्रीमियम, प्रीमियम कम रखना चाहिए अगर हम आपसे कुछ खरीदना भी चाह रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, और उसके बाद भी आपके सामने कुछ और भी चीज़ें हैं। डू यू हैव इंश्योरेंस? कि आपके पास इंश्योरेंस है? नहीं। लाइफ टाइम इंश्योरेंस? नहीं। डू यू हैव इंश्योरेंस इन योर को वर्कर? नो, किसी में भी नहीं है। तो सब में आप क्या कर सकते, डू यू हैव इंश्योरेंस इन मोबाइल फोन? यस, मोबाइल फोन का इंश्योरेंस है। DSLR भाई है ही नहीं है तो कहाँ इसका इंश्योरेंस करेंगे बताइए। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ बिल्कुल वो है हमारे पास। नेक्स्ट कर देते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये खत्म हो जाएगा, चेक कर लेता हूँ। वॉट ऑल आर द वेरियस बिल पेमेंट डू यू हैव मंथली बेसिक्स एंड यू प्रीफर मोड ऑफ पेमेंट? यस ऑनलाइन, ठीक है। ब्रॉडबैंड बिल भी ऑनलाइन ही पेड कर देते, एक रिस्पॉन्स देना है सिर्फ आपको। हाउ डू यू ऑफन ट्रैवल, स्पेंड ऑन ट्रैवल, फ्लाइट, ट्रेन, बस? भाई बस से जाता हूँ मैं ज़्यादातर, और हफ्ते में 2 दिन चल जाता हूँ, इसलिए 1 रिस्पॉन्स पर रो। ओके, ये होटल, ठीक है। वंस इन ए ईयर फ्लाइट, वंस इन ए ईयर, बिल्कुल सही। और यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है वंस द क्वेश्चन रिक्वायर्ड वंस रिस्पॉन्स पर रो, एक रो में एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका। ये मैंने रिस्पॉन्स दे दिया है, यहाँ पर भी रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर वुड यू इंटरेस्ट इन अफिलिंग ऑफ द मोबाइल बिल्स? बस इतना। वुड यू इंटरेस्ट इन रिडीम यूर अर्न मीन्स टू अवेल द सर्विस ऑफ द प्लेटफॉर्म? यस, यूजिंग ओनली मीन्स, मीन्स के थ्रू ही सब चीज़ हो सकती है, मुझे मीन्स के ये दे देना। आखिरी है, डू यू इन्वेस्ट पार्ट ऑफ यूर इनकम? नो, नहीं करते, इसलिए। वॉट आर द वेरियस ऑप्शन यू इन्वेस्ट यूर मनी? फिक्स डिपॉजिट, यस, नो, म्यूचुअल फंड, नो, क्रिप्टो करेंसी, नो नो, यहाँ पर हम नो नो कर सकते हो पूरे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट वुड यू टू बी इंटरेस्टेड टू अवेल द प्लेटफॉर्म? फिक्स डिपॉजिट, बस ये कर सकते हैं। एनी कमेंट्स? नो, बस। और यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सबमिट हो जाएगा आपका, बिल्कुल। ये फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल इसे फिलअप कर सकते हैं। इसे कर दो तो यहाँ से बंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल लजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।